हेलो गाइस, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज जैसा कि आप जानते हैं, आज है 1 अप्रैल। तो जैसा कि सीबीएसई ने कहा था, आज सीबीएसई के तरफ से लेटेस्ट अपडेट आया है, जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 12 सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है। तो इस वीडियो में हम उस अपडेट को देखेंगे और आपको इस अपडेट्स के बारे में बताएंगे। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे कि बचे हुए सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कब होंगे, पेपर चेकिंग वो हो रही है या नहीं, या रिजल्ट्स कब आएंगे, वगैरह वगैरह। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे फेक्स वीडियोस आ रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि पेपर चेकिंग हो रही है, और यहाँ तक भी बता दिया गया है कि रिजल्ट इस डेट को आएगा। लेकिन आज हम सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि cbse.nic.in है, उस पर जाकर सीबीएसई का अनाउंसमेंट को देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेस रिलीज, ये सीबीएसई का ऑफिशियल पेज है। तो आइए इसमें क्या क्या अपडेट्स आया है ये हम देखते हैं। तो इसमें बेसिकली लिखा है कि वो एग्ज़ाम जो 18 मार्च और 31 मार्च के बीच हुए, उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया था, तो उसका रिशेड्यूल और टाइमिंग के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें ये भी बताया गया कि कोविड-19, जिसका जो एक वर्ल्ड वाइड पैंडमिक स्प्रेड हुआ है, जिसके कारण लॉकडाउन के कारण सारे एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया गया है, उसके बारे में ये बताया गया है कि वो बहुत दुखद है हमारे लिए। सो फर्स्ट अपडेट है जो क्लास 1 से क्लास 8 के लिए है। सो ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 1 to 8 मे बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। तो इसमें बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स क्लास 1 से 8 में हैं, उसको सीधे अगले क्लास में भेजा जा सकता है बिना किसी एग्ज़ाम वगैरह लिए। दिस एडवाइसरी इज बीइंग इशूड इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी। तो इस अपडेट को सीबीएसई ने इशू किया है एनसीईआरटी के साथ कंसल्ट करके। तो सेकेंड अपडेट है वो क्लास 9th and 11th के लिए है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। इट हैज़ कम टू आर नोटिस दैट सेवरल स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई हैज़ कम्प्लीटेड देयर एग्जामिनेशन। तो इसमें बताया गया है कि सीबीएसई के बहुत सारे स्कूल ने 9th और 11th का एग्ज़ाम कम्प्लीट भी कर लिया है, और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट भी कर दिया है। लेकिन बहुत सारे स्कूल जैसे KV NV, यानी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, और बहुत सारे स्कूलों में एग्ज़ाम्स अभी भी नहीं हो पाया है और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हुए हैं। तो सीबीएसई इस पर अपडेट दिया है कि अगर आपके एग्ज़ाम्स नहीं लिए हुए हैं तो एग्ज़ाम्स लेने में और टाइम वेस्ट मत कीजिए, और इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट्स, वर्क्स एसेट्रा के बेसिस पर और स्कूल बेस्ड असाइनमेंट के बेसिस पर स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दीजिए। और अगर ऐसा केस है कि बच्चे ने ना ही कोई इंटरनल असेसमेंट दिया है, ना ही प्रोजेक्ट्स दिया है, तो आप उसका ऑनलाइन या ऑफलाइन अलग से एग्ज़ाम ले सकते हैं और उस टेस्ट के बेसिस पे उसको अलग क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। थर्ड और जो मेन अपडेट है जो क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए है। सो इसमें बेसिकली बताया गया है कि कोविड-19 के कारण अभी तक सीबीएसई बोर्ड अभी डेट डिसाइड नहीं कर पाया है कि बाकी बचे हुए एग्ज़ाम्स कब होंगे। हाँ, ये बात बताया है कि अगर एग्ज़ाम्स के डेट आए तो उसके 10 दिन, कम से कम 10 दिन पहले स्टूडेंट्स को ज़रूर बताया जाएगा और उसका डेट रिलीज़ किया जाएगा। फोर्थ सब्जेक्ट है सब्जेक्ट्स को लेकर बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि बेसिकली 10th और 12th बोर्ड के हैं। तो कोरोना एपिडर्मी के कारण कोई भी अभी एग्ज़ाम शेड्यूल लॉन्च नहीं हुआ है और बहुत सारे एग्ज़ाम बचा है। और अगर इंडिया की बात करें तो क्लास 10th के लिए IT एग्ज़ाम, और दिल्ली की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के कारण सारे के एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हो चुके हैं। तो सरकमस्टेंसेस को देखते हुए अभी सीबीएसई बोर्ड ने सब्जेक्ट्स का लिस्ट बताया है, जिसको हम देखते हैं। सो सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 10th विच विल बी हेल्ड, तो 10th क्लास का एग्ज़ाम जो अब होगा उसे हम देखते हैं। तो 10th क्लास का एग्ज़ाम बेसिकली दो पार्ट में होता है, एक तो दिल्ली, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, और एक आउटसाइड दिल्ली।
तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आउटसाइड दिल्ली आईटी जो कंप्यूटर वाला होने वाला एग्ज़ाम था वो अब कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट नहीं है और आप इससे चिंता से मुक्त हो सकते हैं, कंप्यूटर का एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। अगर दिल्ली की बात करें तो हिंदी कोर्स भी इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस के एग्ज़ाम्स होंगे। अगर क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो आउटसाइड दिल्ली इंडिया में बिजनेस स्टडीज़, ज्योग्राफी, हिंदी कोर, होम साइंस, सोशियोलॉजी और कंप्यूटर्स एक्सेट्रा के एग्ज़ाम होंगे। अगर नॉर्थ दिल्ली की बात करें तो इंग्लिश इफेक्टिव एन, इंग्लिश इलेक्टिव सी, इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा के एग्ज़ाम्स होंगे। और भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आउटसाइड दिल्ली में है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस न्यू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, और दिल्ली में है फिजिक्स, अकाउंटेंसी एंड केमिस्ट्री। जो फिफ्थ अपडेट है वो फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में दिया गया है, तो मैं आपको बता दूँ कि CBSE के स्कूल्स इंडिया से बाहर 25 और कंट्रीज़ में हैं और वहाँ CBSE के बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए CBSE ने अपडेट लाया है कि फॉरेन कंट्रीज़ के एग्ज़ाम अब कैंसिल कर दिए जाएंगे, क्योंकि कोरोना पैंडमिक के कारण फॉरेन एग्ज़ाम में पेपर पहुंचाना और उसको वापस करेक्शन करने के लिए इंडिया फिर वापस लाना ये बहुत मुश्किल भरा प्रोसेस है, तो अब फॉरेन एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं। हाँ, अगर इवेल्यूशन वर्क की बात करें या पेपर करेक्शन की, तो पेपर करेक्शन का वर्क अभी CBSE नहीं कर रही है, और अगर पेपर करेक्शन का वर्क होगा तो इन्विजिलेटर्स को 3-4 डेज पहले ही नोटिस कर दिया जाएगा कि पेपर कब करेक्ट करना है। सो फाइनली द 7th अनाउंसमेंट इज़ दैट अवॉइड रूमर्स। तो इसमें बताया गया है कि रूमर्स से बचें, कोई भी गलत फेक न्यूज़ पर विश्वास नहीं करें। द ओनली वेबसाइट विच यू कैन ट्रस्ट इज www.cbse.nic.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप CBSE के लेटेस्ट अपडेट्स देख सकते हैं। 8th अपडेट है स्कूल टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स। सो ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज डिसिमिलर टू द कंसर्न स्टूडेंट्स बाय द रिस्पेक्टिव स्कूल्स। सो इस अपडेट में बेसिकली चैप्टर्स के बारे में बताया गया, सब्जेक्ट्स के बारे में जो स्टूडेंट्स को कम्प्लीट करना है। तो इसके लिए बेसिकली मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आज के लिए बस इतना है, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।